हेलो नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर योगेंद्र और आप देख रहे हैं आपका यूट्यूब चैनल डॉक्टर योगेंद्र बोला एंड हेल्थ टिप्स। दोस्तों, आज बात करने वाले हम इम्पॉर्टेंट एलोपैथिक मेडिसिन के बारे में, जिसका नाम है टैबलेट क्लोमिफीन साइट्रेट और इसका फेमस ब्रांड नेम है क्लोफर्ट। दोस्तों, ये दवा स्त्रियों को गर्भ धारण करने में मदद करती है, प्रेग्नेंट होने में मदद करती है, न कि सिर्फ स्त्रियों को परंतु पुरुषों में मेल इनफर्टिलिटी यानी कि मैरिड कपल में अगर पुरुष में स्पर्म काउंट की कमी है तो उसमें भी ये दवा काम करती है। तो देखा दोस्तों आपने कितनी इंपॉर्टेंट मेडिसिन है ये दवा। इनफर्टिलिटी एक्सपर्ट्स, फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स और गायनेकोलॉजिस्ट की पहली पसंद है और ये दवा 50 सालों से उपयोग में आ रही है। दोस्तों, 50 ईयर्स का ट्रस्ट है इस मेडिसिन का। इस मेडिसिन की जो सक्सेस रेट्स हैं काफ़ी रिलायबल हैं, सक्सेस रेट्स अच्छे हैं, साइड इफ़ेक्ट्स भी काफ़ी कम है और इसलिए ये दवा काफ़ी उपयोग में आती है। आज हम आपको इस वीडियो में सारी जानकारी देंगे इस टैबलेट की, क्या क्या यूजेज हैं, क्या इसके साइड इफ़ेक्ट्स हैं, क्या डोसेज है, क्या सावधानी रखनी चाहिए। तो दोस्तों, अंत तक देखते रहिएगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल दबाइए ताकि ऐसे वीडियोस हम आपको और लाकर दे सकें। तो दोस्तों, क्लोमिफीन साइट्रेट के यूजेस। जिन स्त्रियों में ओव्यूलेशन की दिक्कत है, यानी कि ओव्यूलेशन यानी कि स्त्रियों में हर महीने एक अंडा निकलता है जो कि स्पर्म के साथ मिलकर आगे फर्टिलाइज्ड होकर बच्चा बनता है, फीटस बनता है, परंतु कुछ स्त्रियों में नॉर्मल ओव्यूलेशन नहीं हो पाता, उसके पीछे हार्मोनल इम्बैलेंस होते हैं, कुछ हार्मोन इम्बैलेंस की वजह से, जैसे कि पॉलीसिस्टिक ओवेरियन डिजीज़ स्त्रियों में PCOD होती है, जिस वजह से ये ओव्यूलेशन नहीं कर पाते। उनके ओव्यूल्स में, जैसे कि हम बता रहे हैं आपको, ये बच्चादान है, यूट्रस है स्त्रियों में और दो साइड में ओवरी होती है, एक राइट ओवरी और लेफ्ट ओवरी। हर महीने एक अंडा कभी लेफ्ट ओवरी से निकलता है, कभी राइट ओवरी से निकलता है एग, परंतु कुछ स्त्रियों में ये एग निकल नहीं पाता, ओव्यूलेशन हो नहीं पाता। ऐसी परिस्थितियों में यह दवा काम करती है, ओव्यूलेशन करने मदद करती है और न कि सिर्फ ओव्यूलेशन एग को तैयार करती है ओवरी में, परंतु उसको बाहर निकलने में मदद करती है। इस तरह से स्त्रियों को गर्भ धारण करने में, प्रेग्नेंट होने में यह दवा मदद करती है। पुरुषों में कैसे काम करती है? पुरुषों में कई बार देखा जाता है कि स्पर्म्स कम होते हैं, स्पर्म काउंट कम होने की वजह से वो सक्षम नहीं होते कि अपने वाइफ को प्रेग्नेंट कर पाए, तो ऐसी स्थिति को हम बोलते हैं ओलिगोस्पर्मिया, यानी स्पर्म काउंट कम होना। ये दवा स्पर्म काउंट को बढ़ाती है, स्पर्म्स की मोटिलिटी, उनकी जो गति है, उनका जो मूवमेंट है, उसको भी अच्छा करती है। इस तरह से ये काम करती है दोस्तों। अब इसके साइड इफ़ेक्ट्स जानते हैं। हालांकि इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स कम है, नॉर्मली कम हो जाते हैं, पर कुछ साइड इफ़ेक्ट्स आपको जानना ज़रूरी है, वो बताते हैं आपको। जो इम्पोर्टेंट साइड इफ़ेक्ट्स हैं वो है नौजिया, उल्टी उबाक होना, वोमिटिंग होना, ब्लोटिंग यानी पेट में भारीपना महसूस होना, हेडेक, सिर दर्द होना, हॉट फ्लशेस होना, गर्मी सी महसूस होना चेहरे पर, ब्लरिंग ऑफ विजन, धुंधला सा दिखना, डबल विजन, दो दो दिखना, कई बार डबल दो दो दिखते हैं, मूडीनेस होना यानी कि आपका मूड कभी अच्छा हो जाएगा कभी बुरा हो जाएगा, डिप्रेशन यानी कि थोड़ा मूड लो फील करना, स्त्रियों में ब्रेस्ट पेन होना, छाती में दर्द होना, वेजाइनल ड्राई होना, योनि में ड्राइनेस होना, ये कुछ इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट्स हैं जो आपको जानना जरूरी है। आते हैं हम डोसेज। दोस्तों, स्त्रियों में इसको 50 mg और 100 mg के डोज में इस्तेमाल करते हैं और पुरुषों में 25 mg वाली टैबलेट। तो स्त्रियों का पहले हम बताते हैं, स्त्रियों में ये जो टैबलेट है, फीमेल्स में ये जो टैबलेट का कोर्स है लगभग 3 से 5 महीने तक का एडवाइस करते हैं, यानी कि आप 3 से 5 महीने ये टैबलेट लेके दे सकते हैं कि आप प्रेग्नेंट हो रहे हैं या नहीं हो रहे, उससे ज़्यादा देने की एडवाइस नहीं करते क्योंकि फिर साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। कैसे लेनी होती है? जो आपका स्त्रियों का जो पीरियड्स होता है, मानो कि 1 जनवरी को पीरियड आया, 1 जनवरी से 3 से 5 दिन पीरियड आया, पीरियड के 5वें दिन से टैबलेट देते हैं 5 दिन तक, यानी कि 1st day ऑफ पीरियड आया, 3 या 4 तारीख को पीरियड बंद हो गया, फिर 5th day ऑफ पीरियड से जब पीरियड आके बंद हो जाता है तो 5th day ऑफ उस मेंस्ट्रुअल साइकिल से शुरू करते हैं और 10th day तक देते हैं, यानी कि 5 दिन हर महीने 5 दिन ये टैबलेट दी जाती है और इसको हम 3 से 5 महीने दे सकते हैं। इस टैबलेट को चू नहीं करना, ब्रेक नहीं करना, क्रश नहीं करना है, पानी के साथ निगल लेना है। शुरुआत में डॉक्टर्स 50 mg इस्तेमाल करते हैं, अगर 50 mg से बात नहीं बनती तो 100 mg भी इस्तेमाल कर सकते हैं।
तो हर महीने लगभग 5 डेज का कोर्स होता है, ये आप जान लीजिए। पुरुषों में देते हैं 25 mg वाली टैबलेट 25 mg, और हर महीने सिर्फ 25 ही दिन देते हैं, 5 दिन इस टैबलेट को नहीं देना होता है। यानी कि महीने में 30 दिन है, हम सिर्फ 25 डेज देंगे, आखिर के 5 डेज नहीं देंगे। ऐसा करेंगे हम 3 महीना, तो 3 महीने का कोर्स करना होता है। और इस तरह से ये टैबलेट क्लोफर्ट मैक्स करके आती है पुरुषों के लिए, क्लोफर्ट मैक्स। इसके अंदर ये आपको दिखा देता हूँ, इस तरह से जो आप वाइट टैबलेट देख रहे हैं ये क्लोफर्ट टैबलेट है, और जो दूसरी ब्राउन रंग की टैबलेट है ये है मल्टीविटामिन टैबलेट, वो 30 गोली आती है। तो इस तरह से 25 गोली का ये पुरुषों के लिए इस्तेमाल में आने वाली क्लोफर्ट टैबलेट है। तो पुरुषों में 25 mg और स्त्रियों में 50 से 100 mg। दोस्तों ये टैबलेट काम कैसे करती है, थोड़ा सा इन शॉर्ट बताते हैं कि ये टैबलेट कैसे ओव्यूलेशन वगैरह करती है। ये जो टैबलेट है हमारे ब्रेन के अंदर पिट्यूटरी ग्लैंड होता है उसको ट्रिगर करती है, उसको स्टिमुलेट करती है, ताकि हमारे जो स्त्रियों में जो हॉर्मोन्स होते हैं FSH और LH, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH और LH यानी लूटेनाइजिंग हार्मोन, इनका लेवल बढ़ाती है। और जो स्त्रियों में जो ओवरी होती है उसको स्टिमुलेट करती है, ओवरी में फॉलिकल्स बनते हैं और फिर ओव्यूलेशन होता है। इस तरह से ये टैबलेट काम करती है। दोस्तों नॉर्मली तो हर महीने स्त्रियों में 1 अंडा ही निकलता है ओवरी से, पर इस टैबलेट की वजह से कई बार एक साथ 2-3 अंडे निकलते हैं, ज़्यादा अंडे भी निकलते हैं, इसलिए कई बार प्रेगनेंसी में एडवर्स आउटकम ऑफ प्रेगनेंसी देखने मिलता है। जैसे कि कई लोगों में ट्विन प्रेगनेंसी हो जाएगी, 2 बच्चे हो जाते हैं, कई लोगों में ट्रिपलेट्स हो जाते हैं, एक साथ 3 बच्चे हो जाते हैं, कईयों में क्वाड्रिपलेट्स यानी एक साथ 4 बच्चे होना, और कईयों में क्विंटिपलेट्स यानी एक साथ 5 बच्चे होना। तो ये थोड़ी सी परेशानी है इस टैबलेट के साथ, क्योंकि एक साथ 2-3 अंडे निकलते हैं, तो 2-3 अंडे फर्टिलाइज होकर ज़्यादा बच्चे निकलते हैं, कई बार इससे दिक्कत होती है। इसलिए हम एडवाइज़ करते हैं कि कभी भी आप ये जब टैबलेट लेंगे तो अच्छे फर्टिलिटी एक्सपर्ट, अच्छे गायनेकोलॉजिस्ट जो एक्सपीरियंस्ड हो उसकी राय लेकर लेंगे, तो ये जो मल्टीपल प्रेगनेंसी की जो प्रॉब्लम है वो थोड़ी कम हो सकती है। दोस्तों कुछ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस, क्या ये अल्कोहल के साथ ले सकते हैं? बिल्कुल नहीं, अल्कोहल के साथ हम मना करेंगे। ड्राइविंग करते समय भी हम एडवाइस नहीं करते इस टैबलेट को, क्योंकि कई बार डिप्रेशन, डिजीनेस, ब्लर्ड विजन, विजन सही नहीं होता तो दिक्कत हो सकती है। ब्रेस्ट फीडिंग अगर कर रहे हैं आप तो आप कंसल्ट करें डॉक्टर से, और अगर आपको किडनी या लिवर संबंधी कोई बीमारी है तो डॉक्टर को ज़रूर बताइएगा। तो दोस्तों आज हमने आपको क्लोफर्ट, जो कि हमारे जो गायनेकोलॉजिस्ट और फर्टिलिटी एक्सपर्ट्स की 50 साल से ट्रस्टेड मेडिसिन है, और ये फर्स्ट स्टेप है अगर आप प्रेग्नेंट होना चाहते हैं तो फर्स्ट स्टेप इन फर्टिलिटी ट्रीटमेंट में ये टैबलेट यूज़ करते हैं, इसलिए आपको इस टैबलेट की जानकारी होनी ज़रूरी है। दोस्तों आशा करते हैं ये वीडियो आपको उपयोगी होगा, इसको आप लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। और दोस्तों आप लोगों का बहुत बहुत सहयोग के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका यह नए वर्ष बहुत ही शुभ, अच्छा जाए, हेल्दी जाए, वेल्दी जाए। दोस्तों आप अपना और अपने परिवार का खूब ध्यान रखिएगा। मैं डॉक्टर योगेंद्र मिलता हूँ आपको एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।